अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। तो पहले रूम में जो हुई थी प्रॉब्लम, तो इसीलिए हमने दूसरा रूम बनाया। पहले रूम जिसने बनाया था उस भाई ने मुझे एट द एंड टाइम पे मुझे रिमूव कर दिया, तो रूम स्टार्ट कर दिया। मुझे समझ नहीं आया उसका मसला क्या था। भाई अगर तुझे रिमूव करना था तो फिर रूम बनाया ही किस लिए था, फिर क्या फ़ायदा आया रूम बनाने का। तो अब हमने इसीलिए दूसरा रूम बनाया। ओ चले हम देखते हैं। तब तक हमारे साथ जो आज स्क्वाड आया है, इवल जी का स्क्वाड आया है, इनको मैं वेलकम करता हूँ अपने कस्टम रूम में। आज पहली बार आए हैं, शायद पहले भी बीच बीच में आते रहते थे, लेकिन इवल जी का पूरा स्क्वाड कभी नहीं आया है। टी नंबर 2 में है DW तोसीफ का स्क्वाड, टी नंबर 3 में है इवल साही, टी नंबर 4 में है MR4 का स्क्वाड, काफ़ी खतरनाक स्क्वाड है। तो टी नंबर 5 में है दीप का स्क्वाड, टी नंबर 6 में है फ्लैश न्यूक OP, ये भी बड़े डेंजरस प्लेयर हैं। इनके साथ है ZHP फ्लैश, अरबाज, शेज किंग। तो हमारा प्लेन जो है भाई निकल चुका है, देखते हैं कहाँ से जाएगा। जॉर्ज पोल से होता हुआ बराबर मिलिट्री बेस तक जाता है। तो आज इस रूम में हमारे साथ 67 बंदे हैं, तो ज़्यादा हमें किलिंग्स देखने को मिल सकती है। इधर बहुत ही बढ़िया मज़ा आने वाला है। तो चलिए तब तक मैं देखता हूँ मैं कहाँ पहुँचा था। टी नंबर 6 पे, टी नंबर 7 में है DD लश्करी, टी नंबर 8 में है अन्नामी का, टी नंबर 9 में है नॉट नार्को का स्क्वाड, ये भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं। टी नंबर 10 में है इंसेंट डीएस, इनके साथ है साबिक, टी नंबर 11 में है फ्यूरी किरा है, टी नंबर 12 में है सिनिक्स 20 OP, टी नंबर 15 में है, इनका नाम मुझे नहीं दिख रहा है, टी नंबर 16 में है रिव्यूज। तो चलिए तब तक एक नज़र डालते हैं कौन सी टीम ने कहाँ पे जंप की है। काफ़ी सारी टीम जो है वो उतर चुकी हैं जहाज से। तो जॉर्जो पोल में जो है यहाँ पे आतंक होने वाला है। टी नंबर 8, टी नंबर 21, टी नंबर 24, टी नंबर 12, टी नंबर 5, टी नंबर 11 जो है जंप कर चुकी हैं। तो चलते हैं हम टी नंबर 8 के पास, पहले देखते हैं जो टीम नंबर 8 जो है नामी का, इनके साथ है निंजा, ये जो धरती पे पहुंच चुके हैं। TM7R2F OP, इनके साथ है टी नंबर 1 जो बिल्कुल इवल जी, काफ़ी खतरनाक स्क्वाड है। देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, ये भी उतर चुके हैं। अभी तक गन मिल चुकी है इवल जी अफनान को, इवल जी सिनिस्टर, इवल जी सिफर। यहाँ पे टी नंबर 21 भी है यहाँ पे इधर ही। तो यहाँ पे काफ़ी इनकाउंटर जो है स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही खतरनाक इनकाउंटर लगेगा। फायरिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। वाइल्ड फहाद और 4TM का स्क्वाड आज हमारे साथ आया है, ये भी शायद नया MR4 साइको को यहाँ पे टीम LDP ने कर दिया है नॉक। यहाँ पे इवल जी अफनान जो हैं पहले ही यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, अफनान भाई नॉक हो चुके हैं। यहाँ पे सिनिक्स 2 OP ने इनको नॉक किया, LDP ने भी नॉक किया यहाँ पे। अब देखते हैं सिनिस्टर यहाँ पे क्या करते हैं। सिनिस्टर ने अनामिका को कंफर्म कर दिया है, एक किल अपने नाम करते हुए। 911 थॉर को नॉक किया है, चाइनीज़ भाई ने, इनका नाम मुझे नहीं दिख रहा है। वेनिस मैर ने यहाँ पे नॉट नॉर्को को नॉक किया है, नॉट नॉर्को कन्फर्म हो चुके हैं। सिफर अफनान जो है अभी भी नॉक है, अभी तक तो उनको रिवाइव नहीं किया, रिवाइव करने के लिए पहुंच चुका है बंदा उनके पास। तो टी नंबर 1 जो है, टी नंबर 8 पे चलते हैं हम, ये थी टी नंबर 1। टी नंबर 8 पे चलते हैं निंजा, इनके अनामिका जो है लॉबी में वापस जा चुकी हैं। TM7 जो है रिव फिनिक्स को नॉक किया है ऑक्सी हनान ने, LDP ने यहाँ पे टीम LDP हेक्सॉप को किया है नॉक, कन्फर्म कर दिया। तो टीम R2F इनके साथ है निंजा, निंजा जो है यहाँ पे नॉक पड़े हुए हैं। इवल जी सिनिस्टर ने इनको नॉक किया, सिनिस्टर ने यहाँ पे ऑलरेडी एक किल ले चुका है, यहाँ पे दूसरा किल ले लिया अपने नाम पे। इवल जी सिनिस्टर ने निंजा को किया कन्फर्म, काफ़ी अच्छा खेला टीम निंजा ने यहाँ पे। योरस लियाल को कर दिया है कन्फर्म। टी नंबर 21 पे चलता हूँ मैं, टी नंबर 21 जो है वाइल्ड फहद, यहाँ पे इवल जी एड्रॉइड को यहाँ पे नॉक कर दिया। TM7 के जो खतरनाक प्लेयर हैं उन्होंने नॉक किया है इवल जी अफनान। अब देखते हैं क्या पे यहाँ पे क्या करते हैं। इवल जी सिनिस्टर जो ऑलरेडी 2 किल ले चुके हैं, इवल जी सिफर यहाँ पे 4TM मैड मैक्स ने TM7R2F OP को नॉक किया है, डार्क सजाद को नॉक किया है, एक भाई ने उनका नाम मुझे नहीं दिख रहा है। तो नॉक पे नॉक होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टी नंबर 21 और 1 का जो है डार्क सजाद कंफर्म हो चुके हैं। साबिक ने DD लश्करी को नॉक किया है, साबिक ने एक और प्लेयर को नॉक किया, उनका नाम चाइनीज में आ रहा है। DD लश्करी को साबिक ने किया कंफर्म, वेल प्लेड साबिक भाई। यहाँ पे ज़बरदस्त खेलते हुए ZHP फ्लैश के पास चलते हैं, इनका एक प्लेयर जो है डार्क सजाद कन्फर्म हो चुका है। फ्यूरी किरा भी नॉक हो चुकी है, अरबाज, शेज किंग, टी नंबर 15 बिल्कुल इनके सामने है। तो चलता हूँ मैं टी नंबर 15 पे, साबिक ने एक और किया है लॉर्ड OP को नॉक किया है। 4TM हमाद ने इवल जी सिफर को, इवल जी वाले जो है यहाँ पे नहीं चल रहे हैं काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज पता नहीं इनको क्या हुआ है, नॉक पे नॉक हो रहे हैं। यहाँ पे टी नंबर 21 का जो बंदा आ रहा है इनको, यहाँ पे भाई ये क्या कर रहे हैं, कान में कुछ बता रहा है टी नंबर 21 का जो बंदा है इसको, बोल रहा है भाई तू नीचे जा मैं तुझे नहीं मारूंगा। पीछे से यहाँ पे मार दिया, कंफर्म कर दिया 4TM हमाद ने, क्या बात है। अच्छा लगा मुझे इनका स्टाइल यहाँ पे, ऐश
एलडीपी, मैग्नीटो, ओपी ने यहाँ पे नॉक किया है ऐश को और एक चाइनीज को और एक फ्यूरी किरा को, वाइल फहाद एलडीपी बर्लिन ने यहाँ पे विनिस स्मोकी को नॉक किया, निंजा ने यहाँ पे नॉट एक्स को नॉक किया, फ्यूरी किरा कंफर्म, 40M हम्माद भाई गाली मत निकालो भाई 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 कंट्रोल, एलडीपी मैग्नीटो ओपी यहाँ पे छाए हुए हैं 3 किल्स के साथ, एलडीपी बर्लिन नॉक हो चुके हैं, कंफर्म किया है विनिस निंजा ने नॉट एक्स को, डार्क विलो को यहाँ पे वेनिस ने नॉक किया, ऑक्सी हना ने यहाँ पे मैड गॉड ओपी को कंफर्म कर दिया है, विल सिनिस्टर ने 40M हमाद को जो है सिनिस्टर ने यहाँ पे अपना जो है एक और यहाँ पे नॉक किया है, 2 किल ऑलरेडी ले चुके हैं लेकिन 2 प्लेयर बचे हैं इनके, तीसरा शायद नेट से अभी नॉक हो जाएगा, यहाँ पे आ गया जी वाइल्ड 911 थॉर को, इंसेंट डीएस ने नॉक कर दिया, गोलियां मारी थी वो जी सिनिस्टर ने लेकिन टी नंबर 21 का जो प्लेयर है वो बच निकला, टी नंबर 21 बिल्कुल इनके सामने है, एक दीवार का फर्क है यहाँ पे, आग लगते लगते बचे हैं एवल चीज सिनिस्टर, गोलियां भी पड़ी हैं 40M की तरफ से, 40M मैड मैक्स ने यहाँ पे इनका काम तमाम कर दिया, सिनिस्टर का पूरा स्क्वाड इन्होंने वाइप आउट कर दिया, टी नंबर 21 ने वेल प्ले, टी नंबर 21 आपने काफ़ी अच्छा खेला यहाँ पे, मैड मैक्स ने 2 किल्स ली हैं, हमाद ने 2 किल्स, 40M कॉफिन जो है उन्होंने अभी तक कोई किल नहीं ली, C20 LDP मैग्नीटो ने उनको कन्फर्म कर दिया, मैग्नीटो यहाँ पे छाए हुए हैं, 911 थॉर को KF उमेर ने जो है नॉक किया, मैग्नेटो 4 किल्स लेते हुए टी नंबर 24 में छाए हुए हैं, टी नंबर 24 ने 6 किल्स दिए, साबिक यहाँ पे रिव नाइट को नॉक कर दिया, साबिक ने काफ़ी अच्छा खेले हैं, साबिक भी, साबिक मुझे नहीं मिल रहे हैं, साबिक जो है यहाँ पे टी नंबर 10 में है, 3 किल्स ले चुके हैं, बहुत बढ़िया इनके साथ है, इनसेन डीएस उन्होंने भी 1 किल ली है, साबिक इस वक्त फुल फॉर्म में है, टी नंबर 16 बिल्कुल इनके सामने है, रिवज्यूस रिव नाइट और डीई गोकू जो इनको रिवाइव कर रहे हैं, तो चलते हैं साबिक पास देखते हैं यहाँ पे ये 4th किल देने में कामयाब होते हैं या नहीं, बिल्कुल सामने से वार किया लेकिन साबिक को रिव्यूस ने जो है नॉक कर दिया और साबिक का खेल यहाँ पे जो है ख़त्म हो गया, रिव नाइट जो है कंफर्म हो चुके हैं लेकिन यहाँ पे साबिक जो है और इनका पूरा स्क्वाड जो है ख़त्म, इनसेन डीएस बचे हुए हैं दीवार के पीछे छुपे हुए हैं, देखते हैं क्या करते हैं, टी नंबर 16 के रिव्यूस ने साबिक को कंफर्म किया, साबिक ने 4 किल्स लिए थे और यहाँ पे नेड के साथ रिव्यूज को इन्होंने किया है बेहोश, इनसेन डीएस का निशाना बहुत ही बढ़िया नेड किया है, निशाने पे लगा है, अब जाके कंफर्म करेंगे, देखते हैं कंफर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे आईएम फ्लैश ने यहाँ पे 40M हमाद को नॉक किया, आईएम फ्लैश जो है गाड़ी के नीचे आके खुद ही नॉक हो चुके हैं, एलडीपी मैग्नीटो को वाइल्ड फहाद ने नॉक किया, वाइल्ड फहाद को उनके दूसरे प्लेयर ने नॉक कर दिया, पहले यहाँ पे देखते हैं इनसेन डीएस के साथ क्या होता है, रिव्यूज जो है इनको नॉक किया हुआ है, डीई गोकू बचे हुए हैं, देखते हैं क्या करेंगे, यहाँ पे 40M कॉफिन को टीम एलडीपी इबीजा ने किया है नॉक, कॉफिन जो है टी नंबर 21 के, टी नंबर 21 काफ़ी अच्छा खेलती है, देखते हैं टी नंबर 16 का बंदा जो है रिव 911 आतंकी ने यहाँ पे नॉक किया है, टी नंबर 16 के कोकू बचे हुए थे अकेले, इनको एलडीपी मैग्नीटो ने काम तमाम किया, क्या निशाना मारा है मैग्नीटो ने यहाँ पे, अब इनसेन जो है टी नंबर 10 के अकेले बचे हुए हैं, इनका जो है काफ़ी जो दुश्मन है यहाँ से सफाया हो चुका है, अब टी नंबर 19 जो है इनके 911 आतंकी छत पे बैठे हुए हैं, यहाँ से इनको एक ही शॉट मारेंगे, वाइल्ड फहद को ऑक्सी हनान ने किया नॉक, इनसेन पे गोलियाँ पड़ी और इनसेन ऑलमोस्ट जो है किल होने वाले थे लेकिन बच गए, KF उमेर है इनके साथ, ये भी छत पे हैं, साहिल हैं ये भी छत पे, तीनों के तीनों भाई छत पे बैठे हुए हैं, 2 किल्स ले चुके हैं आतंकी 911 आतंकी, इनसेन पे गोलियां पड़ी लेकिन इनसेन भी जो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, आईएम फ्लैश को 40M मैड मैक्स ने किया है नॉक, 40M कॉफिन जो है कन्फर्म हो चुके हैं, अब बचे हैं टी नंबर 22 के पास चलते हैं, यहाँ पे विनिस निंजा जिन्होंने 2 किल्स ली हैं, साहिल जो है गाड़ी के नीचे आ गए हैं, नॉक हो चुके हैं, शायद गिर गए हैं गाड़ी से, तो आतंकी देखते हैं टी नंबर 10 के इनसेन डीएस इनके साथ क्या करते हैं, क्योंकि डीएस बहुत इनको नचा रहे हैं अभी तक, अकेले बंदे हैं, यहाँ से देखते हैं और कोई टीम कौन है एक दूसरे के आसपास, टी नंबर 17 और टी नंबर 3 चलते हैं, टी नंबर 3 के पास इवल साही, FSG कश्मीर, बैड फॉक्स और हायरा कासिम ब्रिज पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं किसी टीम का यहाँ पे गुजरने का, शिकार जैसा यहाँ से गुजरेगा, टी नंबर 17 जो है आने ही वाली है इनके पास, टी नंबर 17 में कौन सा बंदा है भाई, विनिस नोबिता अकेले हैं, काफ़ी खतरा है इनके साथ यहाँ पे, गाड़ी पे इन्होंने स्प्रे तो मारा है लेकिन मुश्किल है इनका बचना, यहाँ पे विनिस निंजा को नॉक किया है नोबिता ने, गाड़ी से धकेला है बाहर लेकिन खुद भी कंफर्म हो चुकी है, विनिस विग ने इनको किया है कंफर्म, टी नंबर 3 इवल साही, यहाँ पे टी नंबर 22 भी इनके नज़दीक है, विंस UGIGH 2 किल्स के साथ नॉक पड़े हुए हैं, विनिस इवर और निंजा जो है पहले ही नॉक हुए थे लेकिन बच गए,
इनके जो स्मोकी हैं वो पहले ही कंफर्म हो चुके हैं, तो 3 नंबर 3 बिल्कुल इनके आस पास है, बिल्कुल सामने ही है, आसपास की बात नहीं है। एसजी कश्मीर, बैड फॉक्स, हाइड्रा कासिम, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर 3 जो है 3 नंबर 22 के साथ क्या करती है, कैसा बर्ताव करती है, या 3 नंबर 22 3 के साथ क्या करती है, वो तो वक्त ही बताएगा। इवल साहिल, एफएसजी कश्मीर, एफएसजी कश्मीर जो है अंदर बिल्डिंग में बैठे हुए हैं एक जगह, बैड फॉक्स बाहर, हाइड्रा कासिम 3 नंबर 22 बिल्कुल इनके साथ है, ज़्यादा फासला नहीं है। ब्रिज के दूसरे साइड जो है 3 नंबर 22 और इस साइड में 3 नंबर 3 है। तो तब तक कहीं और हम देखते हैं, कहीं और पे जो इनकाउंटर तो नहीं लगने वाला है, यहाँ पे चांसेस हैं 3 नंबर 20 और 3 नंबर 6 के, लेकिन ज़्यादा चांसेस 3 नंबर 3 और 3 नंबर 22 के, तो इसीलिए मैं इन्हीं पे रहूँगा, चलता हूँ 3 नंबर 22 के एंगल से, देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। एक बार गाड़ी लेके घूम रहे हैं निंजा जो है, अबे फ्लैश न्यू कॉपी को इजरान कजूटा ने जो है नॉक कर दिया है। फ्लैश ओपी, न्यू ओपी जो है 3 नंबर 6 के हैं, इनको नॉक किया है कजूटा ने। अरबाज शेजी किंग इनको, बैड फॉक्स को यहाँ पे इवर ने जो है नॉक कर दिया। बैड फॉक्स 3 नंबर 3 के, बैड फॉक्स हाइड्रा कासिम को कन्फर्म कर दिया है यहाँ पे विनेस इवर ने, और निंजा ने यहाँ पे शाही को नॉक किया यहाँ पे एकदम से। 3 नंबर 22 ने जो है इनके हालात बदल दिए और इनकी पूरी जिंदगी बदल दी, और इनको लॉबी में धकेल दिया, यहाँ पे पूरा स्क्वाड इन्हें वाइप आउट कर दिया विद इन सेकेंड्स में। अभी थोड़ा ही स्विच किया था दूसरी टीम पे, तो पीछे से यहाँ पे आतंक मचा दिया इजरान कजूटा ने। आई एम फ्लैश को यहाँ पे नॉक कर दिया, यहाँ पे 3 नंबर 22 की तारीफ करनी होगी। निंजा ने 4 किल्स लिए हैं, तो चलता हूँ मैं 3 नंबर 6 पे। यहाँ पे फ्लैश न्यूक ओपी जो है ये भी नॉक हुए थे लेकिन बच गए। इनसेन डीएस ने 911 आतंकी को नॉक किया है। इनसेन जो है अकेले बचे हुए हैं 3 नंबर 10 के, नॉक किया है एक बंदे को, यहाँ पे पहले ही फायर निकल गया लेकिन हाँ, यहाँ पे केएफ उमेर को भी इन्होंने नॉक कर दिया। वेल प्लेड, एक एक बंदे को यहाँ पे इन आतंकी को कंफर्म किया, केएफ उमेर को कंफर्म किया, और 4 किल्स अपने नाम लेते हुए साहिल को भी इन्होंने कंफर्म किया। अकेले बंदे ने पूरा स्क्वाड जो है वाइप आउट कर दिया। वेल प्लेड इनसेन डीएस, काफ़ी अच्छा खेला आपने। तो 3 नंबर 2 की अगर बात करें, इनके DW तौसीफ, आबिद लोदी और 00000HQ, देखते हैं 3 नंबर 2 के आसपास कोई टीम तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे पूरा यार आराम से घूम सकते हैं, स्नाया पुलियाना, यहाँ पे एक भी टीम नहीं है। चलते हैं फ्लैश न्यू को, यहाँ पे LDP मैग्नीटो ने यहाँ पे नॉक कर दिया है। मैग्नीटो काफ़ी खतरनाक हैं, रुकने वाले नहीं हैं, तब से किलिंग कर रहे हैं, 5 किल्स ले चुके हैं। अभी यहाँ पे छठा बंदा इन्होंने नॉक किया हुआ है 3 नंबर 24 के हैं। टीम LDP इबिजा ने 4 किल्स लिए हैं, काफ़ी अच्छा। आई एम फ्लैश 1 और ऑक्सी हनान 3, टोटल तो इन्होंने 13 किल्स इसी टीम ने ले लिए हैं 3 नंबर 24 ने। अब 3 नंबर 6 जो है इनके राडार पे है, इनके टारगेट में है 3 नंबर 6, देखते हैं 3 नंबर 6 के साथ ये क्या करते हैं। रश करेंगे, रश खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं ये। 5 किल्स ऑलरेडी ले चुके हैं मैग्नीटो, इबिजा ने लिए हैं 4 किल्स, आई एम फ्लैश ने 1 और ऑक्सी हनान ने 3। 3 नंबर 6 जो है ये भी फुल मूड में है, यहाँ पे फायरिंग और नेट जो है बरसा रहे हैं। जुरेज भी फ्लैश को यहाँ पे नॉक कर दिया नेट करके इबीजा ने। अब देखते हैं फ्लैश न्यूक ओपी, यहाँ पे ये भी नेट का बदला नेट से कर रहे हैं, इनका जवाब पत्थर से दे रहे हैं, देखते हैं क्या करेंगे। अरबाज शेज किंग ये भी बैठे हुए हैं पोजीशन लेके, लेकिन 3 नंबर 24 ज़्यादा खतरनाक मुझे लग रही है इस टाइम। तो देखते हैं फ्लैश न्यू कॉपी बैंडेज लगा रहे हैं। अरबाज शेज किंग जो है यहाँ पे आते साथ ही नॉक हो चुके, इबीजा ने इनको नॉक कर दिया। सूरज भी फ्लैश को भी कंफर्म कर दिया, पूरा स्क्वाड ही इन्होंने धो डाला 3 नंबर 24 ने। वेल प्लेड, यहाँ पे टीम इबीजा ने लिए हैं 7 किल्स, क्या बात है, वेल प्लेड, काफ़ी अच्छा खेला आपने। लेकिन आई एम फ्लैश जो अभी 1 पे अड़े हैं, और LDP मैग्नीटो ने 5 किल्स लिए हैं, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा, तारीफ़ के लायक, जितनी तारीफ़ की जाए कम। बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ खेला, पहले नेड्स मारे फिर बाद में ऊपर आके रश करके काम तमाम कर दिया। देखते हैं कौन सी टीम है, 3 नंबर 2 जो है अपनी जगह है, 3 नंबर 24, 3 नंबर 10 के जो हैं डीएस, उनके लिए थोड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने भी 4 किल्स लिए हैं। MR4 की अगर बात करें, काफ़ी अच्छा स्क्वाड है, लेकिन अभी तक इनका फेस ऑफ किसी स्क्वाड के साथ नहीं हुआ, तो इसीलिए अभी तक इन्होंने कोई भी किल नहीं ली है। 3 नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है 3 नंबर 2 की जो है शामत आने वाली है। MR4 वाले जो हैं काफ़ी बढ़िया खेलते हैं, बेसब्री से शिकार ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई शिकार मिल नहीं रहा है, तो देखते हैं कहाँ पे जाएंगे। 3 नंबर 2 इनसे कुछ ही दूरी पे है, अब उम्मीद करते हैं कि 3 नंबर 2 की तरफ नहीं जाने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है 3 नंबर 2 इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगी।
उधर ही बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं पुलियाना की तरफ। हाँ जी, टी नंबर टू की तरफ बढ़ते हुए। वापसी का मूड आ गया, शायद वहाँ नहीं जाना चाहेंगे, तो टी नंबर टू जो है बच गई है। बाल बाल बची है टी नंबर टू। इंसेंडियस, काफ़ी खतरनाक अकेले बंदे। टी नंबर 22 के निंजा यहाँ से दिख रहे हैं मुझे। सब की सब टीम जो है इधर उधर है। निंजा भाई ने लिए 4 किल्स, इवर ने 2, और UHIGH यूहिग 3 किल्स के साथ। तो टोटल इन्होंने 9 किल्स लिए हैं। काफ़ी अच्छा खेला है इन्होंने भी। टी नंबर 24 को अगर कोई टीम टक्कर दे सकती है तो वो या तो टी नंबर 22 है विंस, या फिर MR4 वाले दे सकते हैं टक्कर, अच्छी खासी टक्कर जिसका मैं बोल रहा हूँ। बाकी इंसेंडियस जो है वो भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं, वो भी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन अकेले हैं। अकेले नज़दीक से 4 के 4 बंदूक को नहीं मार सकते, अगर दूर होंगे तो किल कर सकते हैं, लेकिन नज़दीक से काफ़ी मुश्किल है। देखते हैं टी नंबर टू जो है काफ़ी वहीं पे, मुझे लगता है पोलियाना में ही सो गई है। मुझे नहीं लगता है, शायद ये शायद बाहर निकलने से डर रहे हैं, सोच रहे हैं अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमें कोई मार देगा। भाई बाहर निकलो, सर्कल की तरफ जाओ। टी नंबर 10 जो है टी नंबर 22 के पास पहुंचने वाली है। यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इवर ने जो है, इवर को इन्होंने नॉक कर दिया इंसेंडियस ने। वेल प्लेड, इवर नॉक पड़े हुए हैं यहाँ से। अभी UHIGH का देखते हैं और निंजा का देखते हैं क्या करेंगे। निंजा जो है DS को मार रहे हैं, लेकिन DS भी वापस भरपूर जवाब देते हुए काफ़ी अच्छा खेलते हैं। एक बंदा 4 के साथ लड़ रहा है, 3 के साथ, एक बंदे को आते साथ इन्होंने नॉक कर दिया। काफ़ी अच्छा, वेल प्लेड। अगर बिल्डिंग में रहेंगे तो यहाँ से ये किल कर सकते हैं, जितना दूर रहेंगे उतना इनके लिए ठीक है। नज़दीक से 3 बंदों को किल नहीं कर पाएंगे। MR4 एवल जो है नॉक हो चुके हैं। यहाँ पे टीम LDP पिज़्ज़ा ने इनको नॉक कर दिया। T24 ने यहाँ पे इनका खेल तमाम कर दिया। कोई भी समझ नहीं आया यहाँ पे क्या किया T24 ने। 8 किल्स वीजा के नाम पे, और मैग्नीटो ने ली 7 किल्स। MR4 का स्क्वाड जो है देखते ही देखे बिखर गया, कुछ पता भी नहीं चला। उन्होंने कुछ आगे से रेसिस्टेंस भी नहीं दिखाई कुछ भी। MR4 से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था मैं, मुझे लग रहा था कि वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं। नहीं खेलते हैं अच्छा, लेकिन आज पता नहीं उनको क्या हुआ। मैंने सोचा था वही वाली टीम है जो इनको अच्छी खासी टक्कर देगी, लेकिन उन्होंने तो विद इन सेकेंड्स ही पूरा स्क्वाड इनका वाइपआउट कर दिया। हो जाता है कभी कभी, लेकिन MR4 वाले जो हैं इतनी आसानी से कैसे मर गए मुझे समझ नहीं आता है। इनसेन को यहाँ पे इवर ने आखिरकार जो है दबोच लिया और किल कर दिया। एक ही शॉट मारा है, 3 किल्स अपने नाम करते हुए इवर ने। अब टी नंबर 22 और टी नंबर 24 और टी नंबर 2 जो है वो रह गई हैं। टी नंबर 2 ने अभी तक कोई फायर भी नहीं किया है अपनी बंदूक से। प्रिजन की तरफ आ पहुँचे हैं, वहाँ पे ऑक्सी हन्नान जो है इनका इंतज़ार कर रहे हैं। टी नंबर 24 काफ़ी खतरनाक, 7 किल्स मैग्नीटो ने लिए हैं और 8 किल्स लिए हैं। यहाँ पे विनिस यहाँ पे अपने ही नेट से जो है UGIGH जो है नॉक हो चुकी है, हाथ में फट गया। इवर भी अपने ही नेट से नॉक, ये कर क्या रहे हैं भाई। अब निंजा, ये इन्होंने किया क्या भाई, खुदकुशी कर दी, सुसाइड कर लिया। टी नंबर क्या नाम था इनका, टी नंबर 22, मुझे समझ नहीं आया भाई इनको हुआ क्या। अच्छा खासा खेल रहे थे भाई, सुसाइड किस लिए किया आपने। टी नंबर 22 वालों ने काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, 3 किल्स 3 किल्स 4 किल्स ली थी सब ने। मुझे समझ नहीं आ रहा इनको क्या हुआ, क्या मसला हुआ भाई। इन्होंने अपने ही हाथ में नेट्स पटा के और खुद सुसाइड कर लिया। आप टी नंबर 2 जो है और टी नंबर 24 के साथ भिड़ने वाली है। अब देखते हैं फाइनल बैटल जो है टी नंबर 2 और टी नंबर 24 के साथ होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है टी नंबर 2 जो है टी नंबर 24 के सामने खड़ी भी हो पाएगी। भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हो जाता है कभी कभी। आई एम फ्लैश अपने ही नेड से, ये हो क्या रहा है भाई। मैग्नीटो ये भी शायद सुसाइड करने वाले हैं, इरादा वही लग रहा है। ये देखिए आई एम फ्लैश को जला दिया, मैग्नीटो ने खुद को आग लगा दी। मुबारक हो भाई टीम नंबर 2 वालों, आपको चिकन डिनर होने वाला है, मुबारक है आपको। यहाँ पे सुसाइड कर लिया है टी नंबर 24 ने भी, मुझे समझ नहीं आ रहा है मसला क्या है भाई। ऑक्सी हनान बचे हुए हैं भाई, सुसाइड मत करो, क्या मसला क्या है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई। इब्बीजा यहाँ पे नॉक पड़े हुए हैं।
यहाँ पे पहली बार ऐसा होगा कि टीम कोई भी टीम चिकन डिनर करेगी कोई भी फायर करने के बगैर। एक प्लेयर रह गया है ऑक्सी हनान, अब वो भी सुसाइड कर लेगा तो यहाँ पे टी नंबर टू के टू का जो है चिकन डिनर हो जाएगा विदाउट फायरिंग ए सिंगल बुलेट। नहीं, मुझे लगता है ऑक्सी हनान जो है वो लड़ना चाहेंगे। शुक्र है, मुबारक है टी नंबर टू ने कोई फायर किया है यहाँ पे, और यहाँ पे टी नंबर टू को चिकन डिनर मिलने वाला है। मुबारक, यहाँ पे इन्होंने चिकन डिनर किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया भाई, दो टीम्स ने जो खतरनाक टीमें खेल रही थी उन्होंने जो है सुसाइड क्यों किया किस बात पे। तो टी नंबर टू जो है आखिरकार डी डब्ल्यू तोसी ने किल की और चिकन डिनर लिया अपने नाम पर, लेकिन भाई ये खेल में मज़ा नहीं आया मुझे, क्योंकि जो अच्छी टीम थी।